सभी को जय मसीह की। इस सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम बात करेंगे परमेश्वर का सहायक जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, मुझे और आपको और सभी मसीह भाई बहनों को। वो सहायक है पवित्र आत्मा जो हम सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर ने दी हुई है। आइए हम एक वचन के द्वारा बात करते हैं और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि पवित्र आत्मा जो तुम्हें और हमें प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिला है, जो स्वर्गीय पिता ने हम सब के लिए भेजा है ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के कामों को करें और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और मदद करे। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए तो हम सामर्थ पाएं। हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें और तुम्हें मिला है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा उन कामों को कर पाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और जो हमसे काम असंभव है वो पवित्र आत्मा के द्वारा किए जाएंगे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कोई भी काम असंभव है, ना ही तो वो किसी बल से होगा, ना ही किसी मनुष्य की ताकत से होगा, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सब कुछ संभव होगा। जिन कामों के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, उन कामों को पवित्र आत्मा के द्वारा हम करने पाएंगे यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। वो आपको सामर्थ देंगे, वो आपको करेक्ट करेंगे, वो आपके जीवन को बदल देंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ एक सहायक है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि मनुष्य पाप करेगा और पाप में गिरेगा। उसी पाप को जब पवित्र आत्मा हमारे पास होता है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम पा लेते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जिस काम को गलत कर कामों को हम सोचते भी हैं, पवित्र आत्मा वहाँ हमारी सहायता करती है, वहाँ हमारी अगुवाई करती है, हमें उन गलत कामों से रोकती है। और परमेश्वर के भेद और रहस्य को समझने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का सहायक के रूप में हमें दी है, ताकि जो परमेश्वर अपने भेदों को हम पर प्रकट करना चाहते हैं, जो काम परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं, हम उस सहायक के द्वारा उन कामों को कर सकें। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम उन कामों को कर सकें। परमेश्वर के भेद और रहस्यों को जानने के लिए और समझने के लिए परमेश्वर ने हम सबको पवित्र आत्मा दिए हैं। यदि आज आप अपने आप को सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको सामर्थ नहीं मिल पा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको लग रहा है कि किसी रिश्ते में, किसी जॉब में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब आप अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, कोई भी बात समझ नहीं पा रहे हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है, कुछ भी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो परमेश्वर का सहायक विश्वास करने के द्वारा आपको मिला है, वही आपको सामर्थ देगा, वही आपको बुद्धि समझ देगा,
वही आपको बलवंत करेगा, वही आप पर परमेश्वर के रहस्यों को खोलेगा। परमेश्वर जो आपसे चाहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। परमेश्वर के वचन के भेदों को जानने में, समझने में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हताश निराश ना होएं। आपको अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं चलना है, बल्कि परमेश्वर का सहायक जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा आपको चलना है, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चल। आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, परमेश्वर में बढ़ना मुश्किल है, परमेश्वर के वचनों को जानना मुश्किल है, परमेश्वर के वचनों के भेदों को जानना मुश्किल है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से, परमेश्वर का सहायक जो परमेश्वर हमें देता है उसे मांगे। परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको अभिषेक देगा। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर बहुत आयस से आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे अब्बा, हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने इस नए दिन में हमें जीवित रखा और एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके समीप आए और आपके नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके समीप आते हैं, आपके पाक और पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप इसके योग्य हैं। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, आपकी बढ़ाई करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। एक आप ही हैं परमेश्वर बढ़ाई के योग्य परमेश्वर। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह में परमेश्वर। जितने भी जन मेरे प्यारे पिता इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे परमेश्वर, हमारे साथ जुड़े मेरे प्यारे पिता, प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करी प्रभु, आपका वचन उनके पास पहुँचा है परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा आप पर परमेश्वर विश्वास करा है प्रभु, विश्वास से ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें मिलती है प्रभु। आज जब विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु जी हर एक जन रिसीव कर रहा है मेरे परमेश्वर, तो प्रभु अपना सहायक उन्हें दे प्रभु, इनकी सहायता करें प्रभु। जब प्रभु ये सोच रहे हैं कि हमसे ये काम असंभव है, हमें बुद्धि समझ नहीं मिल रही है, हमें वचनों का भेद जानने को नहीं मिल रहा है, तो मेरे पिता परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा प्रभु जी इनसे बातचीत करें प्रभु, इन्हें उत्साहित करें, इन्हें परमेश्वर बढ़ाएं परमेश्वर मेरे खुदा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवनों जीवन में आए, इनके जीवन को, इनके हृदय को खोल दे मेरे प्यारे पिता, ताकि प्रभु ये क्षमा करने वाले बन जाए परमेश्वर, प्रभु ये प्रेम करने वाले बन जाए परमेश्वर। क्योंकि मेरे खुदा आपने अपने वचन में सिखाया है कि एक दूसरे से प्रेम करो सच में मेरे प्यारे पिता, और आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर ये सामर्थ्य को पाए जो इनसे नहीं हो रहा है परमेश्वर, वो आपकी आत्मा के द्वारा इनके जीवन में होने पाए। प्रभु जी तेरे लोग तेरी आत्मा के द्वारा जाने जाए मेरे प्यारे पिता, ओ प्रभु जी दया कर मेरे प्यारे पिता। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना, हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते मेरे प्यारे पिता। इस नए दिन में परमेश्वर प्रभु, इस दिन भर परमेश्वर आपका आत्मा हर एक जन के साथ रहे, धन्यवाद करते हैं प्रभु।
प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।